हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिसर्टेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा। सो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में उठते हैं जब हम एमएससी में होते हैं या फिर कोई और कोर्स पीजी कोर्स में होते हैं और हमें एक प्रोजेक्ट करना होता है अपने फाइनल ईयर के लिए। सो डिसर्टेशन उसी का नाम है, यानी कि जो हम फाइनल ईयर के लिए प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम डिसर्टेशन बोलते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जैसे डिसर्टेशन होती क्या है और डिसर्टेशन आपको कहां से करनी चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई करनी चाहिए, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपके आज बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। मैं बेसिकली आज जो डिसर्टेशन के बारे में बात करूंगी वो होगी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए, बट इट इज़ सिमिलर इन ऑल द कोर्सेज। सो हम डिसर्टेशन के बारे में बात करें तो हमें डिसर्टेशन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमें बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से करना होता है। अब आप कहाँ से कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं और किसी कंपनी से भी कर सकते हैं जहाँ पर इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को। अब ये दो तरीके से भी हो सकती है कि आपको पे भी करना होगा और एक तरीके से आप फ्री में भी कर सकते हैं, बट फ्री में आप कहाँ करेंगे, वो करेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे कि IITs हो गए, DU हो गया, इस तरीके के जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ से भी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। हम जब काफ़ी अपना UG PG में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो IITs में जाना चाहते हैं, DU में जाना चाहते हैं, JNU, जामिया, ये सब कॉलेजेस आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये सब ड्रीम कॉलेजेस होते हैं जिसके अंदर जाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स नहीं जा पाते हैं। तो डिसर्टेशन एक ऐसा चांस है आपके लिए, डिसर्टेशन एक ऐसा मौका है जहां आप अपनी डिसर्टेशन के लिए इन कॉलेजेस के अंदर एंटर कर सकते हैं और अपनी ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं। सो डिसर्टेशन आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस है, इट इज़ अ गोल्डन चांस। सो अब डिसर्टेशन की हमने बात कर ली, तो अब हम बात करते हैं कि डिसर्टेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, आपको क्यों करनी चाहिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये होगा कि डिसर्टेशन से हमें फ़ायदा क्या है, ठीक है, डिसर्टेशन से हमें क्या फ़ायदा है, हमें कहाँ क्यों जाना चाहिए बाहर और क्यों हमें डिसर्टेशन पे इतना ज़्यादा अपना पैसा खर्च करना चाहिए। सो डिसर्टेशन अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि डिसर्टेशन जो है वो आपके लिए फर्स्ट स्टेप है कहाँ रिसर्च में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में या जितनी अच्छी कंपनी में डिसर्टेशन करने के लिए जाएंगे वहाँ पे जाने के आपके चांसेस इतने ही अच्छे होंगे। और दूसरी बात है एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा अगर आप कहीं बाहर जाके अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट करते हैं तो। नाउ हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हमें इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंटर करना है, हमें जाना है, हमें अपनी डिसर्टेशन परफेक्ट करनी है, सो हम किस तरीके से अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। सो देखिए, अप्लाई करने का एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, क्या है वो है ईमेल, ठीक है। आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की ईमेल सर्च कीजिए जो आपको नेट पे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपको ईमेल मिल जाती है, ईमेल मिलने के बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिस प्रोफेसर के अंडर आप अपनी डिसर्टेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। सो जिस प्रोफेसर के अंडर आपको करनी है उसकी ईमेल आईडी लीजिए और एक एप्लीकेशन लिखिए जिसमें आप अपना प्रॉपर डिटेल लिखिए कि आप कौन से कोर्स में हैं, कहाँ से हैं, किस प्रोजेक्ट पे डिसर्टेशन करना चाहते हैं, ठीक है, एंड ऑल दीज थिंग डिटेल्स आप राइट डाउन करके उनको ईमेल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं से, तो आप काफ़ी सारी जगह पर 10-15 जगह पर आप अप्लाई करेंगे, ईमेल डालेंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको ईमेल वापस मिलेगा, ठीक है। जब आपको वहाँ से रिप्लाई मिलेगा तो रिप्लाई मिलने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। एक इंटरव्यू का प्रोसेस है कि ईमेल के बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और इंटरव्यू के बाद आप प्रॉपर डिसर्टेशन के लिए किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में एंटर हो जाएंगे। सो ये है पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि डिसर्टेशन होती क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको नहीं समझ आ रहा कि डिसर्टेशन है क्या, तो ये वीडियो आप एंड तक पूरी देखिए और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूं। और अगर आप कहीं डिसर्टेशन करने से चले गए हैं और उसके बाद डिसर्टेशन बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो आपको टॉपिक पे या फिर किस तरीके से आपको करना है, क्या क्या टॉपिक आपको इंक्लूड करने होते हैं अपनी डिसर्टेशन में, वो सब मैं आपको बताऊँगी। Thank you for watching the video.